नगर निगम में हुए घोटाला को लेकर आज विधायक नीरज शर्मा ने बल्लभगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिना काम के पेमेंट का 184 करोड़ का मामला सामने आया है, जो कैग की रिपोर्ट से सामने आया है। सबसे ज्यादा घोटाला बल्लभगढ़ विधानसभा में हुआ है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ठेकेदार द्वारा गाड़ी गिफ्ट में दी गई थी, जिनकी जांच सही तरीके से नहीं की जा रही है। उन्होंने सरकार और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से सही तरीके से जांच करने की मांग की है। और खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दे है? देखिए, बल्लभगढ़ भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है और जो सीएजी की रिपोर्ट में 184 करोड़ रुपए बिना काम की पेमेंट के सतवीरा ठेकेदार ने निकाले, उनमें से लगभग 150 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ बल्लभगढ़ विधानसभा का गया है। और अभी हमारी रिसर्च टीम ने दो वार्डों की रिसर्च करी, 38 और 40 की, सिर्फ एक महीने के अंदर 35 करोड़ रुपया उन दो वार्डों में गया। मेरा प्रश्न है यहाँ के मंत्री जी से, स्थानीय विधायक से, कि आपकी इतनी सजगता थी उसके रहते हुए इस तरीके के घोटाले कैसे हुए? आप चुप कैसे हैं? सतवीरा के अकाउंट सार्वजनिक किए जाएं कि अभी तक 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं, टोटल कितनी गाड़ियां उसके अकाउंट से खरीदी गई, वो गाड़ियां कहां गई, किसने चलाई, किसने इस्तेमाल की, वो गाड़ियां कहां खड़ी हैं? सतवीरा किसकी सरपरस्ती में फल फूल रहा है, आप ये बता दीजिए। सरकार की सरपरस्ती में फल फूल रहा है, और किसकी में फूलेगा? नीरज शर्मा की में थोड़ी फूलेगा। नीरज शर्मा फुलाता तो इतनी हवा थोड़ी लगाता, या सतवीरा के खिलाफ कपड़े उतारता या अपने जूते चप्पल उतारता। भ्रष्टाचार रूपी दानव, चाहे वो सतवीरा के रूप में हो, चाहे सातवी के रूप में हो, चाहे किसी और के रूप में हो, सारा का सारा इस सरकार के मंत्रियों के और इस सरकार की रहनुमाई में ही फल फूल रहा है। विधायक जी, आपके तरफ से लगाए गए हैं बड़े, एक तो गाड़ियों को लेकर, एक टिकट को, ये किसके लिए टिकट कराई गई, आपको कोई जानकारी है? गाड़ी किसके लिए दी गई, कोई जानकारी आपको है? मेरे पास जानकारी है, वो मैं जरूर दूंगा। पहले तो मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, सरकार सार्वजनिक करे, सरकार क्या कहती है, सरकार भी तो बताएं। आप आरोप लगा रहे हैं,